ये उस भाई को गाय दी जाएगी भाई, जो बिल्कुल जी से ज्यादा प्यार करके इसको रखेगा। बिल्कुल पेस्टी भाई साहब, 18 लीटर है इसकी। 18 लीटर जी। तो ये अपनी घर की बछड़ी है भाई। अच्छा, ये घर की बछड़ी है। ये 6 महीने की प्रेग्नेंट होगी, दो दांत अभी हुई है। अच्छा, तो 14 लीटर दूध की गारंटी है इसकी। 14 लीटर दूध की गारंटी है इसकी। जेनेटिक तो आओगा भाई, अगर आप में गो प्रेम है तो भाई छोटा बच्चा में भी गो प्रेम भाई। थोड़ा डर भी लगा है कि देखो ये गाय लात मार दे। अभी देखे भाई, मतलब अपनी हरियाणा गोवंश को लेकर के भाई, जो भाई बोलते हैं कि भाई शांत स्वभाव नहीं होता, तो आप स्पष्ट तरीके से दिखाई। जी राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना छोटा भाई राहुल सियाग, तो फिर से स्वागत करूं भाई आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सियाग डेयरी फार्म जुलाना पे। तो भाई बहुत खुशी हुई आज भाई के पास पहुंचे थे, एक अच्छा गोवंश के ऊपर काम कर रहे हैं भाई, चाहे उसमें अपनी हरियाणा नस्ल है, चाहे गिर गाय है, चाहे कोई सी भी साहीवाल है, तो हर तरह का भाई पशुधन पर काम करते हैं। तो बहुत खुशी हुई, तो भाई थे बात करवाएंगे आज। क्यों, राम राम भाई जी। राम राम भाई साहब, और कैसे हो भाई? ठीक है भाई साहब, अपने बिल्कुल बढ़िया। तो भाई अपना गांव का एड्रेस बता दो एक बार मोबाइल नंबर बता दो भाई। भाई गांव देवरड़, तहसील जुलाना, जिला जींद। जिला जींद। तो भाई लगातार मैं देखा था भाई, बहुत मतलब जो हरियाणा नस्ल का पशुधन है भाई, और लगभग 2-3 नस्लें आपके पास लगातार काम करते रहो इसके ऊपर। जी भाई, कितने साल हो गए आपने? भाई साहब 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। जी भाई, मतलब खुशी भी मिला है गोवंश पर काम करते हैं, मतलब कोई अलग पर्पज आपका? ना, बिल्कुल खुशी मिला भाई साहब, गौ की सेवा करना तो बहुत अच्छा लगा है। बिल्कुल गाय जैसे घर में रख रहे हैं हम, जितने भी गौ मस हमारे पास, चाहे क्रॉस ब्रीड में है, चाहे देसी में, बाकी देसी नस्ल है जो इसका थोड़ा ज्यादा वो मानते हैं, क्योंकि उन क्रॉस गाय से थोड़ा पीछे हटते हैं लोग, बिल्कुल उनके ऊपर ध्यान नहीं देते इतना। तो भाई देखो, मैं अच्छा तो देसी गोवंश को ही मानते हैं। मैं तो देखो आज आप तो मिला, बहुत अच्छा महसूस हुआ मैंने भी, क्योंकि भाई एक आप अच्छा काम कर रहे हो गोवंश के ऊपर। जी भाई, और देखो मैं तो नहीं कहूँ भाई, भगवान ऐसे ही तरक्की देता रहा, क्योंकि जो गो प्रेमी है भाई वो समझ गए आपकी भावना ने भी, और जो मेरे व्यूवर्स है भाई वो भी आपकी भावना समझेंगे ना। तो भाई एक घर के लग एक गौ माता को, आपने तो कम से कम भी 15-17 गाय आपके पास अवेलेबल है। जी भाई साहब, और लगातार फिर 5 साल तो यू काम भी करने लग रहे हो। जी भाई साहब, तो लेबर भी करे काम या आप खुद करो? ना, खुद ही करा भाई साहब। खुद करो सारा? बिल्कुल खुद करे। तो भाई देखो इसमें तो फिर और भी खुशी होने की बात हुई, क्योंकि भाई मतलब जो गौ सेवा है, मतलब और किसी में नहीं बंटवाना चाहते, खुद ही करते हैं भाई। अच्छा, तो भाई आज अपना मेन पर्पज क्या रहेगा भाई? कुछ सोल्ड आउट करनी है भाई अपने गाय? हाँ बिल्कुल भाई, सेल कर देंगे गाय, जो अच्छा गौ सेवक होगा घर पालने के लिए, अच्छी गाय मिलेंगी सारी ब्रीड वाली, वैसे करेक्टर में पूरी प्योर हरियाणा। प्योर हरियाणा। जी भाई, तो देखो भाई आज एक बार शुरुआत कर लो वीडियो की, और मैं तो चाहूँ भाई देख सेल परचेज एक ऐसी जगह करिए भाई, और मैं तो मेरे व्यूवर्स से भी कहूँ भाई, जो गौ सेवा का इच्छुक हो तो भाई तो रहे देखो वो फोन करे। हाँ जी भाई साहब, भाई बेकाम में फोन करेगा कोई फायदा कौन होता? हाँ, जो घर पर अच्छी सेवा करे भाई इनकी, जैसा मेरा बन रहा है उसी कर रखिए भाई हमारा, वो बाकी अपने खुद नो गौ माता मान के इसकी सेवा करेगा, जो दिल तलगागा भाई साहब। तो भाई वो एक कॉल करियो लगातार, नंबर भी भाई का चलता रहेगा स्क्रीन के ऊपर, और हर एक गाय की भाई पर जानकारी ले लेंगे भाई, किस तरह का पशुधन आज भाई के पास है, और जो जो सोल्ड आउट होकर के आज मान लो कहीं भी जाओगा, तो मैं तो यही कहूँ भाई अच्छा घर मिले सभी अपनी गौ माता को। तो इसके साथ लगातार वीडियो तो बने रही हो, हर एक गोवंश आप तक दिखावा है भाई, जो मेड़ों में चैंपियन भी रही है, आगे मेड़ों में चैंपियन बनने के लायक भी है, प्योर हरियाणा करेक्टर भी है, और हर चीजें आपको आज देखने के लिए मिलेंगी भाई से। तो अपना शुभ नाम तो बता दिए भाई अपना? रोहित है भाई साहब। अच्छा रोहित, शुभ नाम आपका। तो लगातार वीडियो तो बने रही हो भाई, अच्छा पशुधन आज लेकर के आए भाई के पास से। तो रोहित भाई। जी भाई, अपना जो पहला नंबर पे गोवंश है इसकी जानकारी दें भाई रोहित एक बार। भाई साहब इसका 1.25 महीना भी आने का बाकी है। 1.25 महीना अभी बच्चा देने में बाकी है। तो ये देखिए भाई, अभी दिन हुए भाई साहब इसको ड्राई किए। अच्छा, ड्राई के 20-25 दिन सिर्फ। जी भाई, तो देखो एक हरियाणा नस्ल को लेकर के, अपनी देसी गोवंश को लेकर के कुछ भावनाएं हैं, जो तर्क हैं, जो लोगों को मतलब बुद्धि में दबाए हुए हैं, तो आप कुछ थोड़ी जानकारी दोगे ताकि भाई लोग जागरूक हों भाई, थोड़ा इस तरह का एक बार बता दे भाई साहब, ये नस्ल में मतलब भाई कैसा स्वभाव है, दूध कितना लंबा देती है, तो एक बार थोड़ी ये जानकारी दे दे भाई साहब। इसको 25 दिन से ड्राई किया अभी। अच्छा, 14 लीटर दूध निकाला गाय ने। 14 लीटर जी, ये कौन से ब्यांत में ब्याओगी भाई? ये अभी तीसरा ब्यांत है इसका। तीसरा ब्यांत है जी, मतलब बच्चा देगी तीसरा? हाँ, तीसरी ब्यांत पे। अच्छा, 14 लीटर दूध निकाला इसने। बिल्कुल, तो काफी हद तक भाई ये देखिए भाई, जो मेन करेक्टर होते हैं भाई, मेन करेक्टर जो हरियाणा नस्ल के, वो बताओगे भाई जी एक बार वीडियो के अंदर साथ के साथ गाय में? भाई साहब देसी करेक्टर थोड़ा चिड़चिड़ा अपन कैमरे को देख के कर रही है, बाकी वैसी ऐसी नहीं है, बिल्कुल शरीफ है, हरियाणा की गाय है।
ये थोड़ा कैमरे के देख कर थोड़ा दूसरा व्यक्ति आता है, इतना चिड़चिड़ा अपने देसी गाय में होता ही है, किसी दूसरे व्यक्ति को देख के जब चिड़चिड़ा अपने मारने को न चले तो ये गौ माता के अंदर नहीं होता। जो दोगली होती है क्रॉस ब्रीड वाली होती है जितनी, उनके अंदर कम होता है, इनमें थोड़ा ज्यादा होता है। ये मालिक की थोड़ी ज्यादा वो करती है, जो केयर करता है इनकी, उनकी थोड़ी हो जाती है अपने, वो बना लेती है अपने अंदर का प्यार उसके मेल मिलाप। तो आज आप इसको सोल्ड आउट करेंगे, तो इसका मोल भाव क्या रखा भाई? इसका मोल भाव 55,000 रुपए भाई साहब। मोल भाव 55,000 रुपए। तो देखें भाई जो करेक्टर है भाई, साफ तरीके से आपको नजर आ रहे होंगे, तो नीचे की गारंटी क्या रहोगी भाई रोहित अपनी? नीचे गारंटी भाई साहब अभी ड्राई की है दूध से हमने, अगर कोई भाई थन फोड़ कर लेके जाएगा चेपा खींच निकाल के, तो वो उसकी मर्जी है। बाकी मैंने अभी ड्राई किया इसको दूध निकालते निकालते, वो फोन थोड़ा फूट गया था, उसकी वीडियो हमारे पास है नहीं दूध निकालते की, वो क्या अपनी तरफ की जो मालिक जो भी भाई लेगा इसको, वो अपना पूरी जानकारी जिसको हो, किसी अगर ना हो उसको पूरी नया नया ले रहा तो किसी और जानकार को लेके आके अपना चेक करके लेके जा सकता है। बिल्कुल। तो कितना मोल भाव बताया भाई आपने इसका? 55,000 भाई। 55,000 रुपये जी भाई। काफी हद तक अच्छा गोवंश भाई आज देखने के लिए मिला भाई, जो प्योर हरियाणा के करेक्टर होते हैं वो इस गाय के अंदर है भाई। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, जो गौ सेवा करता है भगवान उसको अच्छी तरक्की दे भाई। तो इसके बाद अपनी आ गई भाई दूसरे नंबर पर भाई, इसकी जानकारी और दे दे रोहित भाई। ये भी ये काफी अच्छी हाइट लेंथ का जो गोवंश है, काफी हद तक अच्छा है ये हमारी। बिल्कुल लीजेंड प्यारी गाय है भाई साहब। अच्छा, लीजेंड प्यारी गाय। बिल्कुल। तो इसके बारे में बताएं भाई कितना? इसका छठा ब्यांत है भाई साहब। छठा ब्यांत पर बॉडी करेक्टर, मतलब ये देख के भाई स्ट्रक्चर देख के ऐसा लगता नहीं भाई छठे ब्यांत में भी बच्चा देगी, तो काफी हद तक ये उस भाई को गाय दी जाएगी भाई जो बिल्कुल जिसे ज्यादा प्यार करके इसको रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मतलब कॉल करे भाई कोई भी जिसको ये सेल के लिए लेता हो या कोई और किसी गलत जगह पे ना चले जाए। बिल्कुल बिल्कुल। 7 महीने की प्रेग्नेंट है भाई। 7 महीने की प्रेग्नेंट होगी जी। तो दूध कैपेसिटी कितनी रहती है रोहित भाई इसकी बर्थ पे? भाई देखो अच्छा, बिल्कुल शांत शुद्ध शरीफ भाई साहब। बिल्कुल। कैसे धार निकालो, न्याणा लगाओ या चने लगाओ। अच्छा, तो प्रेग्नेंट लगभग अपने जो नंदी है भाई, कौन से नंदी से प्रेग्नेंट लगभग? एक तो देसी से हो, एक क्रॉस से। भाई साहब हमारे गांव में एक कपिला बुल है जो हमने ही छोड़ा था। कपिला नंदी। हाँ, कपिला धारीवाल बोलते उसे। नाम एक चैनल पे है भी उसका, भीमा नाम रख रखा है। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। उससे प्रेग्नेंट है? उससे प्रेग्नेंट। तो देखो एक ब्लड लाइन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो इसका मोल भाव के रखे रोहित भाई? इसका 65,000 रुपये भाई। इसका 65,000 रुपये। तो देखो भाई जो गौ प्रेमी है वो बखूबी समझेगा भाई प्योर हरियाणा करेक्टर को और भाई के नेचर को और स्वभाव को भाई। तो पूरा जो आपको बॉडी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है गाय का, तो काफी हद तक अच्छा पशुधन भाई ने मतलब संभाल करके रखा हुआ है। तो इसके बाद भाई जो अपना अगला गोवंश है भाई, इसकी जानकारी दे। ये भी फुल हाइट लेंथ की, मतलब एक अच्छी जो गाय है अपनी हरियाणा नस्ल की, तो इसकी जानकारी दे रहे तो भाई एक बार। इसका एक महीना ब्याने करा गया भाई। अच्छा, एक महीना बच्चा देने में बाकी है अभी। जी भाई साहब। तो 14 लीटर दूध की गारंटी है इसकी। 14 लीटर दूध की गारंटी है इसकी। जी भाई साहब। तो देखो भाई तो मेहनत करेगा ना जोन भाई जी सा, वह गौवंश ऐसा हाँ, ही देगा भाई उसको। ये तो पेट में पाओ भाई, जो जिसा गेरेगा उसा निकाल लेगा। कुछ गेरा ना गे संभाल ना करेंगे तो कैसे देंगे भाई साहब। बिल्कुल। तो इसका मोल भाव क्या रखा भाई? इसका 55,000 रुपये भाई साहब। इसका भी 55,000 रुपये। तो हम पे भाई बहुत अच्छी काफी हद तक है जो प्योर हरियाणा करेक्टर है वो है भाई। उसको ना करना। तो 14 लीटर दूध मिल्क कैपेसिटी है इसके साथ। तो इसके बाद भाई अपना अगला गोवंश पे आ जाओ भाई रोहित। तो ये भी काफी हद तक अच्छी हाइट लेंथ का जो गोवंश है अपना, तो इसका क्या कुछ जानकारी? इसका पहला ब्यांत है भाई साहब। पहला ब्यांत है। 20-25 दिन या महीना लास्ट इसका ब्याने का, ऊपर ले दो वैसे 20 दिन रह गए इसके ब्याने। अच्छा, तो लगता को ना मतलब लगभग हेल्थी गाय है अपने पास। चौथा पांचवा ब्यांत मोचे, तीसरा मोचे, पहला मो, लगभग शारीरिक रूप से काफी तंदुरुस्त पशु। हाँ, बिल्कुल शांत स्वभाव के भाई साहब। बिल्कुल। तो इसकी दूध कैपेसिटी क्या रहने वाली रोहित भाई? भाई साहब इसकी दूध कैपेसिटी हमारी लगा 14 लीटर दूध निकालने पड़ेगा, नहीं 12 लीटर तो इसका कोई घटाने वाला है ही नहीं। बिल्कुल। 14 लीटर दूध देगी खर की, अगर कोई अच्छी केयर करेगा तो। जैसे हमने जैसी भी कर रखी है भाई साहब वो दिख रही है। बिल्कुल। हमसे भी ज्यादा करने वाले हैं भाई केयर, तो हमसे जितने इतने गाय में थोड़ी कम भी होती है केयर। 15-20 गाय है भाई उसकी ज्यादा तो कम बने हैं। तो मोल भाव इसका क्या रहा रोहित भाई? इसका भाई 60,000 रुपए मोल भाव। 60,000 रुपए मोल भाव इसका। तो काफी हद तक ये देखे भाई जो हरियाणा नस्ल का गोवंश आपको सुस्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा रोहित भाई के पास। सभी अच्छा पशुधन शरीर से भी और वैसे भी, और जो दूध कैपेसिटी भाई बता रहा है और शराफत से भरपूर।
तो हरेक पशुधन भाई ने मतलब आज जेन्युइन दिखाया है जो आप कह सका भाई। तो इसके बाद भाई अपना अगला पशुधन दिखाओ रोहित भाई, इसकी जानकारी दे। ये अपनी घर की बछड़ी है। अच्छा, ये घर की बछड़ी है, ये 6 महीने की प्रेग्नेंट होगी, दो दांत अभी हुई है। तो भाई लगातार डिमांड रहे हैं, क्वेश्चन रहे हैं कि भाई ऐसा क्या खिलाएं कि पशु बार बार रिपीट ना हो उसमें, चाहे अपनी गोवंश आ गया चाहे, तो आप न्यूट्री डाइट खिलाओ भाई, बार बार रिपीट होने की समस्या खत्म हो जाए भाई उसमें, और जो एक अच्छी ग्रोथ है भाई पशुपालन के अंदर भाई, शारीरिक रूप से जो स्ट्रक्चर है, बोन स्ट्रक्चर है, अच्छा ग्रोथ होकर के आता है भाई। लगातार इसको खिलाएं कम से कम 100 ग्राम हर रोज, और लगातार हम 6 भी बने रहे ताकि आगे और भी अच्छी जानकारी आपको दे सके। तो इसी के साथ आगे लगातार वीडियो में बने रहो, ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट और कहीं भी मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा लगातार। नीचे नंबर भी चल रहा है भाई न्यूट्री डाइट का, तो जरूर खिलाएं। तो बने रहे भाई लगातार वीडियो में। दो दांत अभी हुई है। हाँ बिल्कुल, शांत स्वभाव होगी अपने घर की बछड़ी। अच्छा पशुधन, तो हमारी घर की गाय वाली है। बिल्कुल 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 भाई, देखो मैंने तो बहुत खुशी मिली भाई रोहित आज आपकी वीडियो कवर करके, कि ऐसा मतलब जो शराफत से भरपूर जो अपना गोवंश है भाई वो, अरे ये तो भाई छोटे बच्चे हैं अपने, ये भी साथ में लगे रहे करें गाया में। हाँ बिल्कुल भाई, ये इसके अंदर ही घुस रहे, तेरी को कुछ नहीं कहती भाई। ये थोड़ा भी जेनेटिक तो आओगा भाई, अगर आप में गो प्रेम है तो भाई छोटा बच्चा में भी गो प्रेम भाई। थोड़ा डर भी लगा है कि देखो ये गाय लात मार दे, अभी देखे भाई मतलब अपनी हरियाणा गोवंश को लेकर के भाई, जो भाई बोलते हैं कि भाई शांत स्वभाव नहीं होता, तो आप स्पष्ट तरीके से भाई शांत स्वभाव उन गाँव में जो थोड़ा चिड़चिड़ा दिखाया ना उन्होंने, ये उनके अंदर ही गुस्सा रहता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। वो तो कैमरे को देख के मतलब थोड़ा, हाँ थोड़ा दूसरे व्यक्ति को देख के दिखा देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मोल भाव क्या रखा रोहित भाई? इसका 30,000 रुपए मोल भाव भाई, इसका 30,000 रुपए राइट। देखिये भाई मतलब जो बच्चा है भाई कितनी भरपूर शराफत है भाई, दिल खुश हो गया आज मतलब देख के वीडियो कवर करके। तो इसके बाद भाई अपनी अगला जो गोवंश है भाई, इसकी जानकारी दे थोड़ी रोहित भाई। ये भाई साहब हम लेके आए थे। अच्छा अच्छा भाई जी, इसका अभी तीसरा ब्यांत है। तीसरा ब्यांत अभी चला हुआ है। हाँ, 2 साल से हमने किसी भाई के पास देखी, थोड़ी क्रॉस में जरूर है देसी, फिर बाकी देसी बोलते हैं भाई इनमें, थोड़ा सफेद बिल्कुल चिट्टी, और दूध अक्षमता भाई बहुत है इसकी भी, 12 लीटर दूध निकाला हुआ इसने खरकी ने। खरकी ने अभी कौन सा लैक्टेशन में बच्चा देगी? तीसरी बार बच्चा देगी, तीसरी बार बच्चा देगी। हाँ, दूसरी बात इन्हें 13-14 लीटर दूध निकाला भाई। कितना दिन हो गया इसको ड्राई हुए रोहित भाई? इसके ड्राई हुए भाई हो गया होगा 1-1.5 महीना। 1-1.5 महीना। हाँ। तो कितना टाइम बाकी है अभी इसका? इसका 1 महीना रह गया भाई। 1 महीना रह गया। तो काफी हद तक जो भाई का जो सिलेक्शन था और जो पालन पोषण था गोवंश को लेकर, इसके बच्चे की डेथ हो गई थी अब की बार बीच में, क्योंकि वो ज्यादा राशन खा गया खुल के, तो उसको उफारा हो गया था, टाइम पे समझ नहीं पाया, तो इसलिए जल्दी बिल्कुल बिल्कुल ड्राई कर दिया इसको। तो इसका मोल भाव क्या रखा रोहित भाई? इसका 30,000 रुपये भाई। इसका 30,000 रुपये। तो काफी हद तक अच्छा पशुधन भाई ने, बिल्कुल शांत भाई, बिल्कुल शांत। आपका लगभग जो पशुधन चालू हो गया भाई, ये लोटी को बढ़ाना शुरू कर दिया भाई। बिल्कुल भाई, तो वहां पर चले भाई अपना जो बाकी गोवंश है वो भी दिखाएं भाई। ठीक है भाई। तो ये देखे भाई, भाई के पास मतलब लगभग काफी हद तक अच्छा पशुधन जो अपना गोवंश है, और जो प्यार प्रेम है भाई का सभी के प्रति, काफी हद तक अच्छी खुशी मिली भाई आज। तो आगे भी लगातार वीडियो में बने रहे भाई, और भी पशुधन है जो भाई के पास वो भी दिखाऊंगा साथ के साथ। तो रोहित भाई आई इस नंबर की बारी, तो इसकी जानकारी दे रोहित भाई एक बार जरा। इसका तीसरा ब्यांत, इसका भाई इसका तीसरा ब्यांत है, ये भी क्रॉस में जी। अच्छा, तो इसको लाल सिंधी बोलते हैं, हमें तो इतना इसका दूसरी ब्रीड वालों का ज्ञान नहीं है जो मिक्स होती है, बाकी 2-4 भाई आए उन्होंने नस्ल का लगभग ज्ञान जी। तो इसका कितना टाइम अभी बच्चा देने में? इसका 7 महीने के प्रेग्नेंट होगी भाई साहब। 7 महीने की, एक टाइम अभी 3-4 किलो दूध दे रही है। एक टाइम पर 3-4 किलो दूध अभी दे रही है जी भाई साहब। तो इसका मोल भाव क्या रखा भाई रोहित? इसका भाई ये सेल के लिए नहीं है, ये घर के लिए रख रखी है। अच्छा, घर के लिए रख रखी है, जो दूध दे हो घर पे रख ली। हाँ, अभी दूध के लिए तो चाहिए ना। चलो भगवान ही दूध पुत कर्म का, दिसंबर जन मतलब जो आ गए 2 महीने के बाद, हाँ दूध दे दूध हो जाए भाई घर में। हाँ, वो भी अपनी देसी हरियाणा, अब की बार ज्यादा सेल करने के लिए गाय निकाल ली, वरना दूध ही घर पे घी बनाते हैं देसी गायों का, और बस बेचने का कोई पर्पज नहीं था, अब की बार थोड़ा सेल करने के लिए सोच रही। चलो बिल्कुल भाई जी, देखो जरूरी है आदान प्रदान भी जरूरी है भाई, अपना गोवंश में एक अच्छी जगह चला जा। तो इसके बाद ही अपना अगला पशुधन गिर नस्ल की, जहां तक मुझे जानकारी है गिर नस्ल का गोवंश आप देख रहे हैं भाई, इसका क्या कुछ जानकारी है रोहित भाई? ये 7वें महीने प्रेग्नेंट लग गई। 7वें महीने प्रेग्नेंट लग गई जी भाई साहब। तो इसका मोल भाव भाई?
इसका मोल भाई बस 7 महीने की प्रेग्नेंट होगी, ये 18 लीटर दूध निकाला इसने। खरकी ने पहला ब्याह था इसका, पहला बार बच्चा 18 किलो निकाला, 18 किलो दूध निकाला इसने। तो मोल भाव क्या रखा भाई इसका? मोल भाव 65,000 रुपये भाई साहब। 65,000 रुपये जी भाई साहब। तो काफी हद तक अच्छा पशुधन आज भाई ने दिखाया भाई, और शांत स्वभाव लगभग आपकी मतलब गायों में देखा भाई। जी भाई साहब, ये अब तो की बार केयर थोड़ी कम हुई इस गाय की, वरना ये थोड़ी भाई इतनी गाय दे दी थी एक भाई को अपने रिश्तेदारी में गई थी, उसने केयर कम की वापिस लेके आए। बाकी लगभग देखा जाए तो भाई मुश्किल है जो कर इतनी गाय में संभालना, टेक केयर। ये तो है भाई, फर्क तो पड़े। इसके बाद अपना अगला गोवंश भाई, इसकी जानकारी दे भाई। ये सब ये भाई 1 महीना ब्याने का रहेगा, 1 महीना बच्चा देने में। जी तो कौन सी थार पार्कर है? हाँ थोड़ी थार में मिक्स है भाई, थार में मिक्स है, थार पार्कर देसी। प्योर कपिला बछड़ा था इसका, एक भाई लेके गया था अभी पहले ब्याह का, प्योर कपिला बच्चा था इसका। तो इसकी दूध क्षमता क्या रही है भाई? 12 लीटर भाई, 12 लीटर। तो अभी कौन से लैक्टेशन में? तीसरे ब्याह में बच्चा देगी भाई, तीसरा ब्याह में बच्चा देगी। तो रही मोल भाव की बात भाई, भाई 35,000 रुपये मोल भाव इसका है, 35,000। एक महीना बाकी है, बिल्कुल घी वाली गाय है भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। काफी हद तक अच्छा जो पशुधन है, वो बोलते हैं कुछ गायों के अंदर घी कम होता है, वो होता है इसके अंदर घी सबसे ज्यादा है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल भैंस की तरह, बिल्कुल भाई। तो इसके बाद जो अपनी ये बैठी भाई, ये गाय भाई, इसका कितना कुछ टाइम बाकी है? ये भी क्रॉस में 20 दिन बाकी है भाई साहब। अच्छा 20 दिन बाकी है, पहले बच्चा देगी शायद, पहले ब्याह था, दो दांत हुई अभी, फर्स्ट टाइमर बच्चा देगी जी। तो क्या कुछ जानकारी है भाई इसके भी? भाई ये थोड़ी कमजोर रहेगी अब की बार, केयर नहीं हुई इसकी, किसी भाई से लेके आए थे हम, इसकी माँ के नीचे 20 लीटर दूध था, तो उसने थोड़ी केयर नहीं की इसकी, पतली दुबली जैसे 1 महीना हमारे पास आए हुआ, इसको केयर नहीं कर रखी, थोड़ी उम्र में तो है। पहले की वीडियो दिखा दू अगर आपको इसकी, तो आप ऐसे कहोगे क्या लेके आए थे आप। बाकी 10 लीटर दूध तो निकाल के भाई अब की बार, खर की भी तो 15 मोल भाई इसका, इसका 20,000 रुपये भाई, 20,000 रुपये मोल भाव। तो काफी हद तक भाई, दो दांत बछड़ी है, दो दांत, मेहनत के ऊपर है भाई, आगे चल करके हम तो ये कहूँ अभी मेहनत हो इस पे, तो ये अभी 12, 13, 14 आगे भी चल कर दे दे। तो इसके बाद भाई अपना जो अगला जो पशुधन है भाई, तो भाई ये मेरे को देखो काफी हद तक पसंद आया भाई, और ये बाहर साइड लगा रखी है भाई, कोई भाई नहीं को है कि भाई बाहर तो पकड़ के बांध रहे हो, ये सबकी मानसिकता है जो गलत मानसिकता है भाई। मेहनत बहुत करते हैं गोवंश के ऊपर, तो भाई ने देखो भाई यू मतलब खाता ऐसे इकट्ठा ना हो रहा कि पीछे भी है और यहाँ भी है, तो ये सब मेहनत का काम है भाई, जो इतना गोवंश के ऊपर भाई काम कर रहा है, मतलब पूरी गली में सिर्फ गोवंश दिखाई देगा आपको इस गांव के अंदर। तो इसकी जानकारी दें भाई थोड़ी, रोहित भाई ये 6 महीने की प्रेगनेंट हो गई, 6 महीने की प्रेगनेंट हो गई, हरकी बच्ची है भाई, पहले ब्यांत पे बिल्कुल शांत स्वभाव होगी, बिल्कुल। ये हमने गाँव से ली थी, ये भी लगभग क्रॉस से ही, क्रॉस में ही 18 लीटर दूध था इसकी माँ के अंदर, 18 लीटर इसकी माँ के अंदर दूध था। ये तो छोटी सी ली थी हमने, अभी 6 महीने की होगी, होने वाली है 6 महीने की। तो मोल भाव क्या रखा है रोहित भाई इसका? इसका भी 18,000 रुपये, 18,000 रुपये। तो चलो भाई हम तो ये कहा कि भाई इसको अच्छा डाइट प्लान मिले, अच्छे घर में जाए, आपके पास रहे, तब भी अच्छा खान पान इसका पालन पोषण पहले भी और आगे भी होता रहेगा, तो अच्छा दूध निकालने की उम्मीद। तो इसके बाद ये भी फर्स्ट टाइमर है, सेकंड टाइमर? ये फर्स्ट टाइमर है भाई साहब, फर्स्ट टाइमर, अभी सेकंड टाइमर बच्चा देगी? नहीं फर्स्ट टाइम बच्चा देगी, फर्स्ट टाइम बच्चा देगी, बिल्कुल बिल्कुल। ये भी क्रॉसिंग में है, क्रॉसिंग में। तो क्या कुछ मोल भाव रहने वाला भाई इसका? भाई साहब ये लेके आए थे, इसकी माँ के अंदर 20 लीटर दूध था, हमको इसको देख के लगता नहीं उस भाई ने गारंटी ली है इसकी, 14-15 लीटर पहले ब्यांत में देगी। तो काफी हद तक 1 महीना ब्याने का बाकी है भाई साहब इसका, 1 महीने से 5-7 दिन पहले ब्याह जाओ या बाद में ब्याह। तो मोल भाव क्या रखा भाई इसका? 35,000 रुपये भाई, इसका 35,000 रुपये जी भाई। तो काफी तक शांत स्वभाव सभी, बिल्कुल शांत भाई, को कैसे ही वो कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो रोहित भाई इसके बाद इस गौ की जानकारी दें भाई, फर्स्ट टाइमर है भाई साहब ये भी, ये फर्स्ट टाइमर, बिल्कुल पूरी हाइट लेंथ की, शांत स्वभाव होगी, राठी नस्ल भाई, राठी नस्ल, राठी बिल्कुल। तो हाइट लेंथ देखिए भाई काफी हद तक जेन्युइन हाइट लेंथ है भाई, जो जहां तक हमने सुना भाई साहब राठी नस्ल की गायों की हाइट बिल्कुल छोटी होती है, इस बछड़ी की हाइट बिल्कुल लाजवाब है भाई साहब, बिल्कुल नजदीक आओ भाई, बिल्कुल शांत, थन का जैसे कि गैप वैसे थन सारे प्रॉपर एक बिल्कुल राइट है भाई इसके। तो अभी कितना टाइम है बाकी इसमें बच्चा देने में? 7 महीने की प्रेगनेंट होगी, 7 महीने की प्रेगनेंट होगी। तो रही मोल भाव की बात रोहित भाई, भाई साहब इसका 40,000 रुपये मोल, 40,000 रुपये मोल जी भाई साहब। तो ये सभी आज के रेट है भाई, अगर मान ले बच्चा दे दे उसके बाद रेट कुछ अलग होंगे? उसके बाद अलग होंगे भाई साहब, बिल्कुल। बाकी जो कोई भाई अच्छा सेवक आएगा भाई
गऊ घर पे अच्छी केयर करने वाला तो टाइम पे कुछ कर भी दिया है, कोई बात नहीं है। मतलब गौ माता का वैसे तो मोल नहीं होता कोई भी, पर ये काम चलाने के लिए भाई आपस में भाई देखो अच्छा, तो आप देखो प्रयत्न करते रहो भाई, एक तो हर घर गोवंश जावे जी भाई, ये बहुत जरूरी है भाई। भाई जिसको लेने की इच्छा नहीं होगी जी भाई, गोवंश को देख के शायद वो भी लेने की इच्छा करे। भाई क्या कहते हैं कि गायें शरार ज्यादा करती है, ला जल्दी मार जाती है, अभी अच्छी गाय किसी घर पे जाएगी भाई, शांत सभा होगी, दूध देगी लंबे टाइम तक, तो भाई साहब सभी प्रेरित होंगे इस बात के लिए। तो इसके बाद भाई रोहित भाई अपना जो अगला गोवंश है भाई, इसके बारे में जानकारी दे थोड़ी भाई। भाई साहब ये गांव में घूमती फिरती आई थी, इसको यहाँ पे चोट लगी थी, इसका ये अगला पैरा जो ये निकल गया था। अच्छा जी भाई जी जी, तो ये वैसे रख ली थी, इसके नीचे बछिया थी, 5-10 दिन हुए इसको, पैर इसका ठीक करवाया तो ये वैसे ही आई है, किसी भाई को चाहिए तो बिल्कुल मना नहीं, वैसे ही दे दो जी। 6-7 किलो दूध भी है इसके अंदर, ये देखो इसका प्यार प्रेम देखो ये, मतलब आपका मतलब है लालच करा आपका बिल्कुल मतलब भाई मालिक का। हाँ, 6-7 किलो दूध अभी है इसके है अंदर, और ये मतलब वैसे ही गो प्रेम में दे दोगे भाई जी भाई साहब, जो गो सेवा जो गाय लेके जाएगा भाई उसके लिए अच्छी केयर। नीचे बछड़ी है बछड़ा भाई, इसके नीचे बछड़ी है भाई साहब। अच्छा नीचे बछड़ी है, वो बछड़ी है, वो भी 5-7 दिन हो गया, थोड़ी होगी ऊपर बिल्कुल नहीं था ही नहीं कुछ भी, डाउन थी बिल्कुल। तो ये ले भाई जो गो वंश के अपने भाई जो गो प्रेमी हैं तो भाई वो देख ले भाई, ये क्रॉस ब्रीड की गाय भाई बिल्कुल फ्री में दे दें भाई जो गौ सेवा करने का इच्छुक है। तो मैं तो उम्मीद करूं भी भाई पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बीच में अपनी एक बछड़ी और रहेगी भाई रोहित, जिसकी जानकारी और दे भाई जरा एक बार। ये भाई साहब पहले ब्यांत में, अच्छा पहले ब्यांत में खर की बछड़ी है, 7 महीने की प्रेगनेंटी है, 7 महीने की प्रेगनेंट, 4-5 दिन पहले लेके आए हैं इसको। अच्छा अच्छा, 4-5 दिन पहले लेकर के आए, बिल्कुल इसके पैर खुर बधे हुए हैं जैसे कि ये बिल्कुल डील हुई है, ये बनवाई जब थोड़ी केयर होगी तो भाई अच्छी बनेगी, ये भी थंका से लोटी बढ़िया करेगी, बिल्कुल संभाली नहीं थी भाई, केयर नहीं थी उसके पास, तो थोड़ा ज्यादा दुबली लगी ऐसे। चलो देखो आप मेहनत करो, आपको मेहनत करने का जितना टाइम बचा भाई थोड़ी उभर के आओगे। बिल्कुल देखो भाई मैं तो कहूँ आप मेहनती हो, और किसी भी गाय को मतलब सबसे ज्यादा प्रेम भावना जो दिखाता है भाई जी, उसकी गाय मतलब तंदुरुस्त मिले खिला से थोड़ा दो भाई, पेट भर जाओ इनका, ये नहीं है प्रेम भावना ना भाई, आप प्रेम नहीं दिखाओगे वैसे डाल दोगे तब भी गौ प्रेम मतलब वो भाई ग्रोथ नहीं करेगा, नहीं करेगा भाई, आपकी प्रेम भावना मेहनत रंग लेकर के आओगी भाई, और प्रेम भावना होगी तो हर चीज टाइम पे मिलेगी जी भाई। तो आज की वीडियो रही भाई रोहित भाई के यहाँ से, तो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइयो। तो रोहित भाई फिर तो राम राम कर दे, राम राम भाई सारे देखने वाले भाई है ना भाई, जय गौ माता की, राम राम भाई राव और जय श्री राम भाई, जय श्री राम भाई।